सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्नैडेक मसाला के एक और बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहाँ पर दोस्तों देने वाला हूँ सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर। लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी भैया, सवाल है बहुत सारे, मिलेंगे उनके बहुत ही शानदार जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी अगर मैं आपके सवालों का जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि आप जानते हैं हर बार की तरह सवाल बहुत 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 सारे होते हैं और जवाब देने का समय होता है बिल्कुल लिमिटेड सा। लेकिन ऐसे में कोशिश रहती है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने सवाल मैं पिक कर पाऊँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहले सवाल की, पूछा है अजय साहू ने, ये बोलते हैं गुरुजी मेरा सवाल ये है कि यूट्यूब पर एक्टिव सब्सक्राइबर्स के लिए आप कुछ सरप्राइज़ और गिफ्ट रखिए प्लीज़, क्योंकि हम सब डेली कमेंट करते हैं वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं गुरुजी प्लीज। अजय यार प्लीज तो बोलने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं आप और आप जैसे और बाकी बहुत सारे एक्टिव सब्सक्राइबर्स को, डेफिनेटली अरेंज किया जा सकता है और अरेंज करने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाद में जो कोऑर्डिनेशन है वो शायद काफी मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश रहेगी मेरी। अच्छा आपने एक सजेशन दिया है, मैं दिमाग में रखता हूं इस बात को, जैसे ही पॉसिबल होगा जरूर कुछ ना कुछ मेरी तरफ से आपके लिए शायद स्पेशल हो जाए। बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है मनीष ने, बोलते हैं कि हाउ यू स्टे सेल्फ मोटिवेटेड इन एवरी सिचुएशन। मनीष इसमें ये होता है ना कि मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ लेट से गलत हो गया, कुछ सही नहीं हुआ और हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। वो चक्कर में जो है अगर कुछ सही भी हुआ होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी चीज़ का कुछ आउटकम निकला जो शायद क्या पता कुछ पॉजिटिव है या कुछ नेगेटिव है, तो मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ उस पॉजिटिव साइड को। हाँ जो गलत हुआ उसके बारे में सोचना ज़रूरी है, उसको एनालाइज भी करना चाहिए, लेकिन अगर आप ओवर थिंक कर लेंगे उस गलत की तरफ या जो सही नहीं हुआ है उसकी तरफ, तो जो है वो आप नेगेटिव ही रहेंगे, आप डिप्रेस रहेंगे। लेकिन अगर कुछ थोड़ा भी अच्छा हुआ है आप उसको अहमियत ज्यादा देंगे तो ऐसे में मोटिवेशन शायद कभी कम ही ना हो। बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है अविनाश ने, अविनाश लेके आए हैं रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल ओप्पो या फिर वीवो। ओप्पो वीवो चूज किसको करें, दोनों एक जैसे से ही हैं यार। ओप्पो इक्वल टू वीवो या बराबर कर लें या क्या बोलें, दोनों एक जैसे हैं, किसी एक को क्या चूज़ कर सकते हैं, मी या फिर रियल मी। रियल मी एक नया ब्रांड है, काफ़ी अच्छे काम कर रहा है। मी एक पुराना ब्रांड है लेकिन अभी वो एड्स वैड्स के चक्कर में इतने अच्छे काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे में अगेन दोनों ही जो हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे हैं, काफ़ी बैक टू बैक फ़ोन्स भी लॉन्च करते रहते हैं, कीमत भी काफ़ी नज़दीक नज़दीक रहती है, स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी नज़दीक नज़दीक रहती है। तो फिलहाल खैर देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में कौन आगे निकल पाता है। बात करते हैं अगले की, स्नैपड्रैगन या फिर हीलियो। ऑफकोर्स स्नैपड्रैगन, वावे या फिर सैमसंग। सैमसंग, टाइप सी या फिर माइक्रो यूएसबी, टाइप सी मनु जैन या फिर माधव सेठ। यार दोनों ही काफ़ी कमाल इंसान हैं और दोनों ही जो हैं वो बहुत कमाल लीडर्स हैं इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो डिपेंड करता है कि आप किसको प्रेफर करें, मैं दोनों की काफ़ी इज्जत करता हूं और दोनों को मैं एकदम बराबर देखूंगा। बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है रत्नेश कुमार केसरवानी ने, बोलते हैं कि रियलमी 3 प्रो का गिव अवे रिजल्ट कब आएगा, क्या मुझे भी कभी कोई गिव अवे मिलेगा। रत्नेश भाई ये सब तो खैर किस्मत का खेल है, बिकॉज सब कुछ एकदम रैंडम होता है, काफ़ी सारे लाखों पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो इनाम है वो होते हैं 1, 2, 4, 10, 15। और ऐसे में बात करते हैं रियलमी 3 प्रो की गिव अवे रिजल्ट की, तो वो इस महीने के एंड तक मैं अनाउंस करूंगा। अगला सवाल पूछा है वंदन प्रजापति ने, बोलते हैं कि आई लव यू भाई, आपका फैनफेस्ट का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल था, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड की अनबॉक्सिंग कब करोगे। फिर रैपिड फायर बोलते हैं कि गैलेक्सी फोल्ड या फिर मेट एक्स, गैलेक्सी फोल्ड, गैलेक्सी वॉच या फिर एप्पल वॉच। डिपेंड करता है आपके उसमें फ़ोन कौन सा है, अगर एक सैमसंग का फ़ोन है या एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो डेफिनेटली गैलेक्सी वॉच, अगर आप एक आईफोन यूज़ कर सकते हैं तो एप्पल वॉच, और गैलेक्सी बड्स या फिर एयरपॉड्स। यार मेरे पास में गैलेक्सी बड्स पड़े हैं बट मैं उनको अभी तक ओपन करके देखा भी नहीं है, तो मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन एयरपॉड्स यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली पिछले काफ़ी टाइम से और बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। धोनी या फिर कोहली, धोनी। रियलमी 3 प्रो वर्सेज नोट 7 प्रो, अभी खैर आने दो, उसके बाद में देखते हैं और उसके बाद में आप ही करना फैसला कि दोनों में से आगे कौन होगा। और अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी फोल्ड की अनबॉक्सिंग की, चलो मैं आपको एक स्टेटमेंट दे देता हूं, आज इंडिया की पहली अनबॉक्सिंग इधर मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। बस अब डेट आप सोच के देखो कि वो डेट क्या होगी,
लेकिन कंफर्म है कि सबसे पहले अनबॉक्सिंग कहाँ होगी, बस इतना समझ लो। और बस बस बहुत जल्दी है, मतलब बस जल्दी है, बस बस है, आने वाली है। अगला सवाल पूछा है, नाम में क्या रखा है इनका, ये नाम है। गुरुजी आपके मोबाइल में करंटली कितनी एप्स हैं? यार ज़्यादा ऐप्स नहीं रखता हूँ फ़ोन में, मेरा एकदम बिल्कुल बेसिक सा रहता है फ़ोन का यूजेज। मतलब अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत सारे गेम्स या बहुत सारी ऐप्स को रखता हूँ इंस्टॉल्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिमिटेड जो काम होता है बेसिक कम्युनिकेशन का या प्रोडक्टिविटी का, वही मैं करता हूँ मोबाइल फ़ोन से। मैं ज़्यादा बिल्कुल इसमें तामझाम उलझा के नहीं रखता हूँ, तो बहुत ही लिमिटेड सी ऐप्स हैं। लेकिन जब मैं वीडियो बनाऊंगा व्हाट्स ऑन माई फ़ोन, उस टाइम पर आप इसको और बेहतर जान पाएंगे। बात करते हैं अगले सवाल की। पूछा है क्रेजी टेक ने, बोलते हैं गुरुजी एक सजेशन है आपके लिए, यूट्यूब पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ट्विटर पे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, क्यों ना हम अगले संडे को आप कम्युनिटी पोस्ट डालो और पोस्ट में से सवाल पूछें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इन ट्विटर। आपको सजेशन कैसा लगा गुरुजी, बताना। जी मेरे भाई बिल्कुल, ये एक आइडिया आपका अच्छा है कि हम जो क्यू एन ए के लिए सवाल पिक करें वो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू करें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं कि यूट्यूब पे हमारे 12 मिलियन से भी बड़ा का परिवार है और ट्विटर पे फिलहाल 1.7 मिलियन का है, तो अगर हम ट्विटर की तरफ थोड़ा सा और आकर्षित करें आप सभी को, तो शायद यहाँ का परिवार भी 12 मिलियन पे हो जाए। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका सजेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगले संडे को कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी एक मेरी तरफ से पोस्ट चला जाएगा सवाल पिक करने के लिए। अगला सवाल है यहाँ पे साकेत गुप्ता का, बोलते हैं कि हेलो बड़े भाई, पहले तो बहुत सारा प्यार आपको और आपकी फैमिली को, धन्यवाद मेरे भाई। माई क्वेश्चन इज, आपको गैजेट्स में इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ एंड हाउ यू बिकेम टेक्निकल गुरुजी? यार टेक्निकल गुरुजी तो मैं कुछ बना नहीं हूँ, वो तो सिर्फ एक चैनल का नाम है। और ये जब 2015 अक्टूबर के अंदर मैंने स्टार्ट किया, उस टाइम में बस नाम रख लिया, तो उसके बाद से यही नाम से काफ़ी फेमस होता रहा। अगर आप बात करते हैं गैजेट्स में इंटरेस्ट की, तो यार ये बचपन की ही बात है। मतलब जब कंप्यूटर्स जो है उनको यूज़ करना स्टार्ट किया, फिर घर पर पहला कंप्यूटर आया मेरे लिए, मैंने उसको काफ़ी यूज़ किया, और उसके बाद में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का मतलब तभी से वो इंटरेस्ट बनता रहा। फिर चाहे वो एक बेसिक रेडियो हो, या उसके बाद में हम बात करते हैं किसी अलार्म क्लॉक की, या मतलब कैलकुलेटर की, तो मतलब वो सब चीज़ें ना काफ़ी लुभाती रही मेरे को। और ओवर टाइम चीज़ें डेवलप होते होते, फिर चाहे उस टाइम पे पापा का फ़ोन हो या कुछ और चीज़ें हो, तो उसी से इंटरेस्ट बनता रहा। बात करते हैं अगले सवाल की। पूछा है पोकीमॉल ने, ये बोलते हैं कि आई एम टू मच कन्फ्यूज बिटवीन रेडमी नोट 7 प्रो एंड रियलमी 3 प्रो, प्लीज़ यू सजेस्ट वन। भाई आप कंफ्यूज कैसे हैं, आपको तो मालूम भी नहीं है कि रियलमी 3 प्रो में क्या है। लॉन्च तो होने दो, उसके बाद में कंफ्यूज होगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए पहले 22 अप्रैल का वेट करो, फ़ोन को आने दो, तब फैसला करना कि भाई कौन सी प्राइस में कौन सा फ़ोन क्या आपको ऑफर करता है। और उसके बाद में अगर कन्फ्यूजन हो तो आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। बात करते हैं अगले सवाल की। पूछा है पे नीरव ने, बोलते हैं कि बड़े भाई काम तो है पर टाइम पे आराम किया करो, कल टेकटॉक्स में आपकी आंखें बहुत लाल दिख रही थी। यार नीरव क्या करूं, आराम भी करता हूं जब जब मौका मिलता है, काम काफ़ी ज़रूरी मैं प्रायोरिटी पे रखता हूं, तो काम करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में चीज़ें अप डाउन चलती रहती हैं। फ़िलहाल तबीयत पिछले कुछ 2-3 दिनों से इतनी अच्छी नहीं है, अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। लेकिन कल सुबह सुबह वापस से मैं काफ़ी लंबी जो है फ़्लाइट लेने वाला हूँ, तो मुझे नहीं पता खैर कैसा रहेगा। काफ़ी मतलब एक अलग जगह पे जा रहा हूँ मौसम के हिसाब से, दुबई से अगर आप करते हैं कंपेयर। आई होप कि आपके प्यार की ताकत से जल्दी ही रिकवर हो जाऊं। अगला सवाल है गौरांश राज का, बोलते हैं कि कैसे हो आप, मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट्स ऑन माय फ़ोन वाली वीडियो कब आएगी, लव यू गुरुजी सो मच। लव यू टू मेरे भाई, व्हाट्स ऑन माय फ़ोन की वीडियो बहुत जल्दी आएगी, और ये दिमाग में मेरे है ऑलरेडी फीड हुआ हुआ कि मैं व्हाट्स ऑन माय फ़ोन, मेरे आईफोन का और एंड्रॉयड फ़ोन का दोनों का ही जो वीडियो है वो आपको एक ही साथ बहुत जल्दी मिलेगा। अगला सवाल है महेश सोलंकी का, बोलते हैं कि ऑप्टिकल हाइब्रिड और डिजिटल जूम में क्या फ़र्क है एंड मेरा ट्वीट स्क्रीन पे शो कीजिए। तो महेश भाई ये लीजिए आपका ट्वीट स्क्रीन के ऊपर, आप शायद देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल जूम की, तो यहाँ पे प्रॉपर एक लेंस मैकेनिज्म है जिसके चलते आप ऑप्टिकली, यानी कि जो लेंसेज हैं, जो ऑप्टिक्स हैं, उनके थ्रू आप जूम कर रहे हैं, और ऐसे में जो क्वालिटी का लॉस है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा इमेज क्वालिटी में। हाइब्रिड जो है वो एक तरीके से मिक्स है डिजिटल और ऑप्टिकल के बीच में, जहाँ पे कुछ कुछ आपने AI को भी यूज़ किया है, और दोनों के मिक्स होने के बाद में आप जो है वो कुछ जूम कर पाते हैं। डिजिटल का मतलब तो सिर्फ जैसे आप समझते हैं ना कि आपने फोटो खींच लिया, उसको आप बाद में जो पिन जूम कर रहे हैं या बाद में क्रॉप कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल मतलब बस समझ लो कि आप क्रॉप कर रहे हैं फोटो को। तो डिजिटल जूम की क्वालिटी सबसे खराब होगी, हाइब्रिड की
थोड़ी उससे बेहतर होगी और ऑप्टिकल की सबसे ज़्यादा बेहतर होगी। अगला सवाल पूछा है अनीश रचवानी ने, बोलते हैं कि भाई इमेजिन एंड टेल मी द एक्सपीरियंस, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल पहले व्हेन यू वर्न्ट ऑन यूट्यूब, उस टाइम कैसा फील होता था, आई मीन आज आपको कैसा फील होता है, व्हाट्स द डिफरेंस, आई होप यू गॉट व्हाट आई मीन टू से। भाई नो मीटअप्स नाउ डेज, एनी प्लानिंग? यार मीटअप्स तो डेफिनेटली मैं करने वाला हूँ और प्लानिंग बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जो है वो मीटअप्स होने वाले हैं और बहुत सारे होने वाले हैं, तो उसके लिए आप ज़रूर बने रहिए। अगर हम बात करते हैं 3 साल पहले जब YouTube पर नहीं था और आज में क्या डिफरेंस है, तो यार डिफरेंस सिर्फ जो आप देखते हैं ना इंटरनेट पे उसी का है, बाकी हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ की तो कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ऐसा ही था पहले भी, आज भी ऐसा ही हूँ, जो बाकी दोस्त हैं परिवार है सब मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ जो आप वीडियोज़ देखते हैं, जो आप पहचानते हैं जानते हैं वो एक अलग फ़र्क हुआ है, बाकी सब में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। अगला सवाल पूछा है अब्बास खान ने, बोलते हैं कि गौरव भाई Realme 3 Pro में क्वालकॉम है या फिर हिलियो बताना ज़रूर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फ़ोन के लिए, ट्वीट एक बार स्क्रीन पे दिखा देना, लव यू गुरुजी। तो ये लो मेरे भाई आपका ट्वीट स्क्रीन पे। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें तो यार क्वालकॉम है, मिस्टर माधव ने खुद ही कंफर्म कर दिया था जो वीडियो बनाया था एक्सक्लूसिव Realme 3 Pro के लिए, और फिर लोग बाद में उसी वीडियो से कंटेंट निकाल निकाल के न्यूज़ बना देते हैं। चलो क्या जो भी है, उसी वीडियो में पहली बार बताया था कि इकलौता एक डिवाइस लॉन्च नहीं होने वाला है, इनफैक्ट 2 डिवाइसेज लॉन्च होने वाले हैं 22 अप्रैल को, और कन्फर्म हो चुका है कि क्वालकॉम का ही प्रोसेसर है। अगला सवाल पूछा है विनीत सिंह ने, बोलते हैं कि हाय गौरव, मेरा भारत का घुमक्कड़ बाबा नाम से यूट्यूब चैनल है, भारत का घुमक्कड़ बाबा काफ़ी अच्छा नाम है, जो अभी इनिशियल स्टेज पे है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियो में जो भी बोलता हूँ वो इंग्लिश में कन्वर्ट होके वीडियो में नीचे लाइन की तरह चलता रहे, इज़ देर एनी ऑप्शन इन यूट्यूब टू डू? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिंदी बोल रहे हो और वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए और फिर आपको कैप्शंस जो हैं वो मिल जाएं। हाँ, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर आपका एक कंप्लीट जो है वो सेंटेंस इंग्लिश में ही होता है, तो वो डेफिनेटली इंग्लिश का इंग्लिश में ही आपको नीचे लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन हिंदी बोलें या कोई और लैंग्वेज बोलें और अगर आप उसको चाहें कन्वर्ट करना, तो ये ऑप्शन यूट्यूब में नहीं है, आपको मैनुअली खुद से सबटाइटल्स ऐड करने होंगे। अगला सवाल है रत्नेश कुमार केसरवानी का, इनका मैंने दूसरा सवाल ले लिया क्या, पहले भी तो नाम आया था पता नहीं, बोलते हैं कि वैसे आपकी इस टाइम कितनी सैलरी है प्लीज कुछ बताइए ना। यार मेरी सैलरी 0 है, मैं सैलरी लेता नहीं हूँ, मैं सैलरी देता हूँ अपनी टीम को और जो प्रॉफिट है वो सारा मेरा है। अगला सवाल है सौम्या रंजन का, ये बोलते हैं कि गौरव भाई आप दिन में कितनी बार खाना खाते हो, आपको कुकिंग आता है कि नहीं? खाना दिन में कितनी बार, जब जब मौका मिलता है, कभी एक बार, कभी 3 बार, कभी 5 बार, कभी एक बार भी नहीं, डिपेंड करता है कि रूटीन कैसा है। मतलब बहुत ही मतलब बिल्कुल भी फिक्स रूटीन नहीं है मेरा, बहुत ही ख़राब रूटीन है, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन डिपेंड करता है, कभी कभी एक बार होता है सिर्फ किसी का डिनर हुआ है, दिन भर से कुछ नहीं खा पाया, कभी कभी होता है सिर्फ लंच किया है, बाकी ना डिनर किया है ना ब्रेकफास्ट किया, कभी कभी प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ रहता है, तो मतलब इट वेरीज। और आपको कुकिंग आता है कि नहीं? जी हाँ भाई, मेरे को कुकिंग आती है और मैं हर एक डिश को 2 तरीके से बना सकता हूँ, आप किसी भी डिश का नाम लीजिए, मैं उसको 2 तरीके से बना सकता हूँ, एक कच्चा और एक जला हुआ। निखिल भाई के साथ एक बाइक राइड पे जाओ, लॉन्ग ट्रिप वाला, ये मेरा विश है। मेरा कल सुबह 9 बजे फिर सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, फिर भी मैं आज सनीटक मसाला देखूंगा। मेरे भाई एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, मत देखना बहुत लेट आने वाला है ये, लेकिन आपका एग्ज़ाम मेरे ख्याल से अच्छा जाए। और जहाँ तक बात करते हैं निखिल के साथ में एक बाइक राइड लॉन्ग ट्रिप, यार बाइक राइड तो खैर नहीं, पता नहीं देखो कब होता है, लेकिन हाँ लॉन्ग ट्रिप ज़रूर होने वाला है, और बस 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 बस, बस होने वाला है बस। अगला सवाल है दर्शन का, दर्शन बोलते हैं कि नमस्ते गुरुजी, पहले आप ये बताओ कि आपकी तबीयत अब अच्छी है कि नहीं, मैंने देखा कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी, और मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे मोबाइल ऑनर 9 लाइट की बैक ग्लास पैनल टूट गई है, तो क्या मैं ऑनलाइन मंगाऊं या फिर आफ्टर मार्केट की ख़रीद लूं? यार तबीयत जो है वो नासाज है, पिछले 2-3 दिनों से चीज़ें अप डाउन चल रही है, मेरी नाक जो है वो पूरी ब्लॉक्ड है, कभी कभी बह रही है, खांसी मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे में फीवर भी था बीच में, पूरी बॉडी में पेन भी था, मतलब बहुत सारी चीज़ें एकदम ऐसे एक साथ सी थी, तो वो धीरे धीरे जो है वो अभी बेहतर हो रही है। आई होप कि मैं कल तक थोड़ा सा और फिट हो जाऊँ, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा पंगा होने वाला है, क्योंकि जो सफ़र शुरू होगा वो अगेन बहुत लंबा लंबा सा ही है। आपका जो है सपोर्ट बनाए रखना ज़रूर, क्या जल्दी ठीक हो जाऊँगा। और अगर हम बात करते हैं ऑनर 9 लाइट की, तो ऐसे में यार आप एक बार प्राइस का डिफरेंस चेक करो, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है तो ऑफिशियली जो है वहाँ से आप ठीक करवाओ, अगर लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आफ्टर मार्केट जाओ, वहाँ से लगवा लो, बिकॉज
बिकॉज़ पीछे के मतलब पैनल की बात है, इतना कुछ मेजर है नहीं, बड़े आराम से चेंज किया जा सकता है। अगले सवाल है यहाँ पे दुर्गेश का, बोलते हैं कि 20K तक का बेस्ट फ़ोन कौन सा होगा भाई, क्या आईफोन 6 लेना सही होगा? नहीं मेरे भाई, आईफोन 6 प्लीज़ प्लीज़ मत लीजिए, और 20,000 में आप पोको F1 ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है और ऐसे में आपको डेफिनेटली काफ़ी चलेगा। इनफैक्ट सैमसंग का A50 है, वो भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे जीवन पाटिल ने, ये बोलते हैं कि स्नैपड्रैगन 730 कम्स एट 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन एंड 845 एट 10 नैनोमीटर, सो इज़ 730 बेटर देन 845, बोलो गुरुजी? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो डेफिनेटली 8 नैनोमीटर पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है उसी से सभी चीज़ें जो हैं वो मतलब बेहतर या कम बेहतर होती हैं। ये एक पैरामीटर है, इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कोर्स का डिज़ाइन है वो कैसा है, और ऐसे में इसके अलावा कैसे आपने उनको ऑप्टिमाइज़ किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेफिनेटली अगर आप बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा पावरफुल होगा। बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है यहाँ पे दिबायन पहाड़ी ने, ये बोलते हैं कि एनी आइडिया ऑफ प्राइस फॉर गैलेक्सी A80 एंड आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है भाई। बताओ भाई क्या सरप्राइज गिफ्ट है, वैसे ब्लैंक छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? और बात करते हैं अगर गैलेक्सी A80 की प्राइस की, तो यार डिपेंडिंग कि सैमसंग क्या सोचता है, लेकिन मेरे ख्याल से 40 से 45 50 हज़ार के आसपास रहेगी शायद, 45-40 हज़ार के आसपास तो खैर ऑफिशियली होनी ही चाहिए, बिकॉज सैमसंग का एक फ़ोन अगर वो भी आता है बेजललेस स्क्रीन के साथ में, मूविंग पार्ट्स और ट्रिपल कैमरा सेटअप, फ्रंट एंड रियर दोनों के लिए वो कैमरा काम में ले रहे हैं, तो मतलब काफ़ी एक मतलब यूनिक वो कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ऐसे में शायद वो प्राइस तो जस्टिफाई करेगा बिकॉज सैमसंग का ब्रांड नेम भी है। लेकिन अगर फिर 50 के ऊपर गया या 45 के ऊपर गया तो शायद थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन हाँ 40-45 तो मतलब बड़े आराम से सैमसंग के नाम पर वो फ़ोन बहुत ज़्यादा बिकने वाला है। अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है यहाँ पे शरद कुमार ने, बोलते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? भाई डेट ऑफ बर्थ है मेरा 7 मई। अगला सवाल चिराग पटेल का, बोलते हैं कि गुरुजी माय फोन हैज़ फुल HD स्क्रीन एंड हैज़ 402 PPI एंड कैन प्ले 1080p वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, बट माई iPad हैज़ ओनली 264 PPI स्क्रीन एंड इट कैन प्ले फुल HD वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, हाउ? प्लीज़ रिप्लाई। सर, जो रेजोल्यूशन है और जो PPI है वो दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं, जो मेरे पीछे TV लगा है तो उसका जो PPI है वो 264 से भी काफ़ी कम है, और फिर भी ये बड़े आराम से फुल HD वीडियोज़ को प्ले करता है, तो मतलब पिक्सल्स पर इंच जो हम बात करते हैं वो डेंसिटी पे है। अभी आपका iPad का स्क्रीन क्योंकि बड़ा है, आपके फ़ोन का स्क्रीन होगा मान लीजिए 5.5 इंच का या 6 इंच का, जो 402 PPI का मतलब कितना होगा, 5.5 इंच का स्क्रीन होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर हम बात करते हैं iPad की, तो वो होगा आपका 9.7 इंचेस का या और लगता है उससे बड़े वाला, तो ऐसे में स्क्रीन साइज़ बढ़ गया है तो जो डेंसिटी है वो कम हो गई है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन का वो तो बेहतर ही है ना। रेजोल्यूशन और डेंसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन आप मत रखिए। मैंने पहले कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, जाके वो देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगा। बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है यहाँ पे पिंकू दास ने, बोलते हैं गुरुजी क्या आपको माइक्रो प्रोसेसर लाइक 8085 का प्रोग्रामिंग आता है? प्रोग्रामिंग के अलावा बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आता यार। 8085 तो मैंने कब किया था, कॉलेज डेज में, कितने साल पहले, खैर वो याद भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे मालूम है निमोनिक्स वगैरह होते हैं जो छोटे छोटे वो कोड से होते हैं जिनको लिख के हम कुछ बेसिक काम कर पाते हैं, जो पूरा एक किट आता है 8085 का, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझ के देखो, बहुत ही बिल्कुल बेसिक है यार ये माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और थोड़ा सा अगर आप एक हैबिट डेवलप करोगे तो प्रोग्रामिंग बड़े आराम से सीख पाओगे। अगला सवाल है प्रवीण मलशेटे का, ये बोलते हैं कि रैपिड फायर विद फुल ऑन फायर, अच्छा जी, मोदी वर्सेस राहुल, बिना किसी डाउट के मिस्टर मोदी, राहुल गांधी कोई कंपैरिजन आप सोचते हो क्या यार? जीरो कंपैरिजन है। इसरो या फिर SpaceX? यार SpaceX काफ़ी एडवांस्ड काम कर रहा है, इसरो भी बिल्कुल कम नहीं है, और अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो इसमें हमारे देश के लिए बहुत प्राउड की बात है, तो मेरी चॉइस रहेगी इसरो। टेस्ला या फिर एप्पल कार? टेस्ला। जियो वर्सेज एयरटेल इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट 5G नेटवर्क? जियो पे मेरा भरोसा है, शायद जियो ये काम करेगा। गैलेक्सी फोल्ड या फिर मेट एक्स? गैलेक्सी फोल्ड। सुंदर पिचाई वर्सेज टिम कुक? डेफिनेटली सुंदर पिचाई। ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम, लव यू भाई, आई लव यू टू। अगला सवाल है चिराग भानुशाली का, बोलते हैं कि गुरुजी IPL का सीज़न चल रहा है तो मुंबई में, वहाँ जाके वानखेड़े स्टेडियम में जाके मुंबई इंडियंस टीम के मैच का एक बढ़िया सा व्लॉग बना दो। चिराग यार IPL का तो खैर कुछ कन्फर्म नहीं है कि मैं व्लॉग बना पाऊँ या नहीं, लेकिन ऐसे में वर्ल्ड कप आने वाला है
और कितना अच्छा हो अगर हम वर्ल्ड कप का एक व्लॉग बनाएं, इंडिया का कोई मैच हो बढ़िया सा, और ऐसे में उसका आपको दिखाऊं पूरा बिहाइंड द सीन्स, ड्रेसिंग रूम से लेके और बाकी सब चीज़ें, जैसे कि मैंने फुटबॉल वाला मैच बनाया था, अगर वैसा ही एक वर्ल्ड कप का बने तो क्या आप उसके लिए एक्साइटेड होंगे, वो थोड़ा नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ तो दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।